अच्छा मैं तुहाड़ी गल नूं उत्थों ही लैके टुरांगा कि तुसी कह रहे कि इंडिया तुसी गए ते उन्हां ने मतलब अपने कल्चर दी सांभ कीती होई है देखो गल ए नहीं है चीजा जाके ना सारे पंजाबी एक ही है लेकिन मेनू मेनू मान एक लैलपुर का मेनू 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 चा ही बड़ा सी जो मैं मुजस्मा वेखिया जो मैं म्यूजियम वेखिया मैं वाह वाह यार क्या बात सर सर साढ़े तुसी एक शेर बोलिया कि वह बेहिमते ने जड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा उगन वाले उग पेंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा बाबा नजमी साहब दा शेर है ठीक है ते बाबे नजमी हुणा दा इंडिया च मुजस्मा लगा है लगा बनदा सी उहना दा ते मैं बाबे नजमी दे इंटरव्यू करन गया ते मैं उहना दा घर देखिया ते मैं परेशान हो गया कि इस इन्हां दा मुजस्मा इंडिया च लगा है ते इह साढ़े आर्टिस्ट दे इह हालात ने कि साढ़े आर्टिस्ट इस तरह जिंदगी गुजार रहे ने मैं फिर उधर ही सानू फिर लैके आवांगा कि हल की है सानू की करना चाहिए है तुसी भी मीडिया चो असी भी मीडिया चा इंडिया दा एक प्लेयर है उन्हें एक सौ ते कुछ समथिंग गोल किए है ने मनदीप सिंह उहदे उपर दो फिल्मा बनिया है धोनी दे उपर फिल्म बनी है सचिन तेंदुलकर दे उपर फिल्म बनी है भगत सिंह ते तीन फिल्मा बनिया है साडा सुहेल अब्बास 6 साल हो गए ने उन्हें हाकी छड़ी है हले भी दुनिया के सब तो उपर गोल होते हैं कोई शॉर्ट फिल्म नहीं कोई भगत सिंह तो असी फिल्म नहीं बनाई कोई राय अहमद खान खर तो असी फिल्म नहीं बनाई असी नास ख्यालवी साहब तो नहीं बनाई असी अपने किसी आर्टिस्ट से एक बायोपिक नहीं बनाई हैगी कि साड़ी गलती नहीं है हाकी की गल की मैं पिछले दिन एक हाकी स्टेडियम में पहली बार हाकी स्टेडियम हाकी का मैच होता वेख्या अच्छा पहली बार अपनी जिंदगी ते मैं हाकी स्टेज जो मैंने उन्होंने एज आ ममानक सूसी बुलाया तो मैं स्टेज पर आया तो मैं स्टेज पर उन्होंने कहा मलंगी साहब कुछ कहो तो मैं कह यार मैं तो यही कहांगा काश एक खेल कौमी ना होंदा तो शायद बहुत उत्ते होंदा क्योंकि जो हाल कौम दा होया वो ही हाल इस खेड का हो गया लेकिन देखो साडा अगर ये तो खेड है ही है लेकिन अगर मैं ये तो खेड फिर भी चल रहा है लेकिन अगर मैं अपने उन्होंने खेडों की गल करा जो साडे पंजाब के खेड रहे हैं जिम्मे गुली डंडा हो गया स्टाफू हो गया साडा गतका जी हो गए लुकन मिट्टी हो गया भांजू हो गया हूँ यह जे खेड ने जे अजक बच्चे जेडे जे सिर्फ मोबाइल पर आके ना वो गेम खेडन डे ने जे आके ना तो खुदकुशियां भी हो रही ने देखो जब तक असी अपने बच्चों अपने जो पंजाब के कल्चर तो दूर करा तो असी बहुत सारिया बीमारियां भी जन्म लवेंगे असी बहुत सारे उन्होंने पास चले जावे कि जेडे शायद असी बर्दाश्त नहीं कर सकते यानी ऐसे असी फेस देखा और हो रहा है बिल्कुल आके ना मैंने कि निकिया आंदा गल याद अड़ियो बड़ी चीज़ वड़ी ले जाओ मेरी माई ने मैनू ना निकिया आंदा छापर भर के दिता टाफिया का उन्हें कहा पुत्र जा बहर जाके ना आवाज़ दे कि अड़ियो बड़ी चीज़ वड़ी ले जाओ ते मैं वो छापर फड़िया तो बाहर चला गया तो बाहर हूँ उत्थे आवाज़ लाई तो ढेर सारे बच्चे कट्ठे हो गए लाइन लम्मी बन गई तो हूँ मैं ना वो लाइन बनने तो पहले मैं ना क्या यार ये जी टाफियां ना पहले मैं अपनी जेब च पा ला मैं भी बच्चा सी तो मैं अपनियां पिंड की इधर जेब भी टाफियां पा लिया इधर भी पा लिया मैं टाफियां भर के अपनियां पहले पूरा कोटा कर लिया तो उस तो बाद हूँ मैं छापर ने बनना शुरू कर चलिया चल भी दे रहा होया कि छापर मुक गया पर लैन नहीं मुकी मैं क्या हूँ की करिए फिर मैं क्या चल यार मैं फिर ना इस जेब चू भी टाफियां कढ़िया तो दितियां ए भी कढ़ के एंड तो मैं सारिया जेबा कढ़ के फरोल के विखाइया क्या मेरे कोई टाफी नहीं रही तो वापस आया तो माई ने कहा मैं अपनी माई ने मां जी मैं ना टाफियां दे आया तो मैं जी अपने वास्ते रखिया से मैं वह भी देती ने तो अम्मी ने मैंने पैसे होर देने उन्हें कहना पुत तू जाके होर ले ला मैं ना बड़ी देर बाद समझ आई कि यह मकसद की सी अड़ियो बड़ियो चीज़ वंडी दी दा मकसद की सी इहदा मकसद सिर्फ यह सी कि जिहड़ा तुसी जदों किसी नूं कोई चीज़ वंडदे हो तो किसी नूं कोई चीज़ देण तों बाद जिहड़ी अगले दे मूँह ते जिहड़ी जिहड़ा हासा जिहड़ा बुलियां ते हासा आंदा वा जिहड़ी समाइल आउंदी है उहदा मज़ा उहदा आदि करना काम सीगा कि तुसी किसी दे देण वाले बणो तुसी वंडो मोहब्बतां वंडो लोकां नूं एक लोकां नूं चीज़ां जिहड़ियां आके देवो लोकां नूं आके खुशियां देवो तो उस चीज़ दे विच ऐ चीज़ साडे च एक जिहड़ी
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗੋਗਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜਨਤਾ ਚ ਘਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਛਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆਏ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆਏ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆਏ ਡੰਗਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਹ ਪਿਆਏ ਡੰਗਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਹ ਪਿਆਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਫਾ ਪਿਆਏ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਮੋੜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਛੱਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧੋਖੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧੋਖੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਖੋਖੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਬੈਠ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 25 ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 25 ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 25 ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 25 ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਜਰ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਹਿਜਰ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮਲੰਗੀ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਏ ਛਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਏ ਛਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਜਾਏ ਅਸਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
बहुत सारिया चीजा ने लेकिन मजा जरा है उस तंज के नाल फिर उन्होंने बड़ा आम फहम जरा जिदा गलबात ही है गल ही कोई नहीं ठीक है कि एडा वड्डी गल तो उन्होंने इन्हें कह देना कुछ भी नहीं है ए मजा कितों ये मुशाहिदा कह लो या कहते कि शायर जो हों लिख रहा हों जो अंदर चल रहा हों ठीक है वो जो कैफियत होंगी है मैं इनू कि कैफियत समझा नहीं नहीं तुसी बिल्कुल सच समझ सकते हो वजह है क्योंकि हर किसी जिंदगी एक प्यार होंगे हाँ। मेरे च दो सी अच्छा क्योंकि मेरे दो ब्रेकअप हुए अच्छा उस तो बाद मैं ना नफरत जी हो गई मैं अपने आलू अल्लाह की किस्में मेरा वस ही नहीं चलता कि मैं किरा किरा अल्फाज इस्तेमाल करा लेकिन बट मेरी बहुत सारी शायरी जी कुड़ियां के खिलाफ होंगी है मेरा एक जो मैं काम किया शायरी अंदर असल जो साउंड जो ने साउंड अद खुद एक अपनी ही एक वजन रखते हैं मैं अपने परफॉर्मेंस के जो साउंड जो ने उन्होंने मिला के वजन पूरा करने की कोशिश की है अच्छा। अगर मेरी शायरी लिख के वेखो तो बिल्कुल बेवजन होगी हाँ छोटी बैर च मजा बहुत घट लोग लिखा है और ए शर्फ बनी हुई कि मैं छोटी बैर च मजा जो टीवी शो बाकी ने मैं छोटी बैर च मजा लिखन का मैं अच्छा लगता बल्कि एक चीज एक होर शेर है कि जा कर लै जिन्ने मर्जी अफेयर जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर आई डोंट केयर जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर आई डोंट केयर गोल्डन सेब वर्गी जवानी तेनू रास नहीं आई गोल्डन सेब वर्गी जवानी तेनू रास नहीं आई हुन खांदी पई है देसी बेर आई डोंट केयर आई डोंट केयर वाह जी वाह क्या बात और इनके इस तरीके की बहुत सारी चीज जड़िया ने जिन्हें आके ना कोशिश की ऐसी चीज़ा जिन्हें असल दुआ तो यही है कि अल्लाह सोना मेरी जिंदगी ये रखे कि मैं लोगों के बुलियां ते हासे वंडदा रहा बुलियां ते इवें हासे लिया रहा और यही जिंदगी का हिस्सा है और बड़ा चंगा लगता जी जो आके ना इदा जो फड़ रहे लोग बहन और चीज़ा जो और बल्कि आस्ट्रेलिया के जे जे साडे पंजाबी बोलने वाले ने ठीक है और सारे माशाला मैं बड़ी खुशी होती मैं जिंदगी पहली बार मुतमिन पहली बार उदों होया जो मैं पंजाब च गया पहली बार जो पंजाब जाके मैं पंजाबी नू एक उस तरीके नाल एक बड़ा आबाद और बड़ा खुशहाल वेख्या तो मैं मुतमिन हो गया तो मैं गल की है कि जब तक एक भी सिख मां जिंदा है ना तो मेरी मां बोली कुछ नहीं कुछ नहीं क्योंकि ये उन्होंने एक जी उन्होंने जिदा कि इस जबान जिमें उन्होंने सामभिया उन्होंने बड़ा बड़ा काम है मैं बिल्कुल और बिल्कुल जी बड़ी मैं अच्छ खुशी हो रही है कि अज तो वाडे राही अज आस्ट्रेलिया के जो पंजाबियों ने मुलाकात हो गई और बाकी इंशाल्लाह ताला अच्छा मैनू ये दसो तुम कि मेरा दिल कर रहा कि मैं कंटिन्यूसली गल् करता रहा ठीक है असं कोई टाइम का ख्याल ही ना करिए घड़ियाँ बंद कर दी अच्छ अच्छा रेडियो के उपर लोगों हसाना फिर टीवी के उपर आके तुसी टीवी भी कर रहे हो तुसी मुशायरों पर भी जाते हो परफॉर्म भी करते है लोगों हसाते भी है कि प्लैनस की ने अगे की सोचा है कि मैं इतने जाके ब्रेक लानी है या मैं समझागा कि इतने आके मेरे मकासद जोड़े है पूरे हो गए ने की समझते हो तुसी की प्लैन गोल्स की किते रखे हुए गोल्स असल च मैं सच्ची दसा कि अगर गोल की गल करिए तो साढ़े गोल ना गोल मोड़ होते हैं जिंदगी जो सोचिया हो इस वास्ते ना जिंदगी बड़ी मजाक जी बनी है जिदा जिंदगी मैं जिंदगी की उंगल फड़ के ना जिंदगी जिधर ले जा रही है मैं लै जा जाते देखो गल बेसिकली मेरी सियासी फैमिली है सियासी फैमिली तू मैनू इस फनकारी वाले पासे मेरी जिंदगी लैके आ गई उंगल फड़ के इधर आ गई फनकारी वाले पासे आई तो मजा वाले पासे लै गई बस जनमन तौर पर मैं अगर रियालिटी वेखी जाए मैं ओदा बड़ा संजीदा इंसान हाँ इस गल का लोगों को यकीन ही नहीं आता कि यार संजीदा हो सकता है कभी मैं बल्कि पिछले दिन है कि मेरे दोस्त की वालदा फौत हो गई तो मैं वह अफसोस करने वास्ते गया तो मैं यार बड़ा अफसोस होया तेरे वाल फौत हो गया उन्हें कि मलंगी चवल ना मारी मेरी वालदा फौत हुई है
मैं कहने यार मैं पागल यार मैं बड़ा संजीदा मूँह बनाया ना मैं कि होया कि वो कहते यार कोई नहीं कैनेडा से हार्ट अटैक होया तो डैथ हो गई उन्हों की तो लेकिन दो दिन हो गए हाले तक उन्होंने जी मैयत नहीं आई हाले तक उन्होंने लाश जी डेड बॉडी नहीं आई हाले इन्नी गल की है तो ना ही एंबूलेंस की आवाज़ आ गई ना मैं दसो यार कि लंबी उम्र है हमने ना लिया तो हमने आ अच्छा यह गल मैं कोई अचानक की मैनू नहीं पता लगी हो गई अच्छा वो बाद चो ने मैं बड़ा क्या मतलब तू वेख तू हटिया नहीं असल च मैं कोई चबल मरदा नहीं मेरे को वज जाती मैं कभी जिंदगी मैं अज तक अगर मैं सोच हाँ जिस दिन मैं सोच समझ के बोलांगा तो उदो मैं बिल्कुल खराबी कर दाँगा लेकिन जिस दिन बिल्कुल मैं एक्चुअल जो है क्योंकि बेसिकली मैं एक पहले तीन साल मैं मलंगी करैक्टर बनाद लगे मैं उस करैक्टर का ऐसा चोला अपने उत्ते पाया है कि हुण मैनू मलंगी करैक्टर छड्डन ही नहीं दिया तो मेरे नाल जिंदगी मेरे हालात इदा ही मामला जलालत ये वो घरों टाइम ना निकली दा लेकिन अगे जाके पता करना गड्डी पहले खराब हो गई जिथे एवं शाबश तो है ही नहीं किसी काम च ना यानी यह जिंदगी इन्ना कि शायद शायद मैं रब सोना बहुत होर वड्डा शहर बनाना चाह रहा है कि जलालत बढ़िया रहन चीज़ा रहन आके गोल्स ही नहीं है जो चीज़ा जिंदगी लेकिन मैं ये पता है कि मैं अपनी मेहनत जी जारी रखा और जो मेरे नसीबा है मुझे मिलना ही मिलना है और कर ही रहा क्या इस वास्ते बाकी चीज़ा जीडिया 15 साल रेडियो करद हो गया तकरीबन हूँ तक टीवी के कोई तकरीबन साढ़े 500 तो वध एपीसोड कर चुके हैं बहुत सारे मुल्कों परफॉर्म किया वे दूजे पंजाब जाने का इतफाक कई बार होया मैं बड़ी बड़े बड़े वे फखर की गल है और बाकी चीज़ा जी अगर चल रही ने स्क्रिप्ट राइटिंग पासे जरा जो जरूर होया कि मैं कुछ चीज़ा जी लिखा एक मूवी नवी एक आ रही पंजाबी वो लिख रहा मैं उस अलावा शॉर्ट मूवी का अज थानू वेख के मैं मुतासर हो कि मैं चाहिए कि मलंगी तू शॉर्ट मूवी लिख पर यह सोचता जे मैं लिखागा तो कहीं भी लिखागा ठीक है लिहाजा तो यानी इस तरीके कुछ चीज़ा जीडिया लेकिन शायरी के मेरा दिल है कि मैं उन कुछ चीज़ा जीडिया क्योंकि मेरी बहुत सारी शायरी जी एक जगह से नहीं गई जी उन प्रोपर एक जरा कि एक अच्छे रिकॉर्डिंग लोगों सामने लैके आवा अच्छा मैं इनू अपने लिए एजाज समझागा कि मैं अज जिन्हों कहते हैं फलसफाना गुफ्तगू ताे मूँह सुनी हैगी पैगाम बेशक मजाच दे दो तंस दे दो लेकिन यह पैगाम उन्होंने लोगों देना है जिहड़े हिम्मत हार जाते हैं उन्होंने लोगों को देना ने जिहड़े बहुत जल्दी कह देंगे कि बस मेरी बस हो गई है क्योंकि साड़ी 64% 64% जी आबादी है वो 18 to 30 साल के बच्चों के दरमियान यूथ के उपर है तुसी यूथ नू एक ऐसा पैगाम देना है कि वह कम अज़ कम एक मिनट लिए सोचने लिए मजबूर हो जाए कि असी भी मलंगी बन सकते हैं असी भी कुछ कर सकते हैं असी भी जिंदगी अपना नाम बना सकते हैं मैं अगर ना अच्छा मलंगी बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने मेरे उस्ताद की गल सी उन्हें कहा मलंगी इट पुट्टो मलंगी निकलता है मैं कहना वा अगर मलंगी रेडियो टीवी पर आ सकता है तो कोई भी आ सकता है एडा ईजी है यानी कि मैं यानी ये कोई गल ही नहीं यानी कि गल वेखो मेरा कोई रेडियो वोकल नहीं सी मेरा और तुम पता है मेरा ऑडिशन नहीं होया जे मेरा कभी ऑडिशन होया तो शायद मैं 5,000 जुर्माना होंगे कि तू जुर्म कि ऑडिशन दे दी तेरी आवाज़ है ठीक है लेकिन कहने का मकसद की है कि चीज़ा जीडिया हो जाए ने मैं कहना वा नेक नीति थोड़ी कंटीन्यूटी जी है ठीक है तुसी जो अपना एक पत्थर से भी जो कंटीन्यू जो एक कतरा डिगता रहता ना तो सुराख कर छड़ता है जिंदगी अपने आप को इन्ना क अगे लैके जाओ अपने घोड़े इन्ने दौड़ाओ कि जेड़ा थोड़े तो अगे वह कह तो मजबूर हो जाए भाई तू लंघ जा साड़ी खैर कि इन्नी जिंदगी अगे बदो आगे और यही जिंदगी है और मैं कहना वा कि मैं लानत नहीं भेज सकता लेकिन मैं कहांगा कि बेड़ा गर्क उन्होंने लोगों का कि जो दुनिया से आए और अपना आप कुछ भी विखा के नहीं गए आ छोटी जी जिंदगी है कम अज कम अपने क्रेडिट बनाओ अपने अपनी जिंदगी जेरे मर्जी काम कर रहे हो तुम जी मर्जी फील्ड चो अपने आप अपना नामना बनाओ थोड़ा पता लगे कि यार इस बंदे ने अपना नामना कटिया इस बंदे ने एक बड़ी स्ट्रगल की अपने काम का महाने वो शहनशाह होया जिहड़ा भी काम करो उस काम दे विच शहनशाही रहो ऐ एक आखिरी गल बाकी बहुत शुक्रिया तुहाडा तुसीं माशाल्लाह बड़ा एक मैनूं बड़ा चंगा लग्या इत्थे आके
और बल्कि मैं एस टी वी चैनल का और माशाल्लाह पूरे आस्ट्रेलिया का, आस्ट्रेलिया मेरा भतीजा शाम ही है तो उन्होंने सारे का बहुत शुक्रिया जुड़े रहो और फिर कित चलाएं पवेंगे। बहुत शुक्रिया तुम अपना कीमती वक्त सानू दिता, बल्कि मैं कहांगा कि साडे लई एजाज़ है तुसी साडे स्टूडियो नू रोशनियां दित्तियां हैगियां ने आके इत्थे। ते नाज़रीन मैं ये गल कहांगा कि एक आखिरी शेर बनिया। हां जी बिल्कुल, मैं जरूर बिल्कुल बिल्कुल एक आखिरी शेर क्योंकि मैं चाहना मैं संजीदा करके जावा। ठीक है, असी धुप समझी ओ छां निकली, आहा असी धुप समझी ओ छां निकली, असी मझ समझी ओ गां निकली, असी धुप समझी ओ छां निकली, असी मझ समझी ओ गां निकली, बेड़ा घर के ना ब्यूटी पार्लरां दा, असी कुड़ी समझी गो कुड़ी दी ओ मां निकली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अच्छा असी तुहाडे कोल ज्यादा चाहवांगे ते मैं ये गल कहांगा कि प्रोग्राम जिहड़ा इख्तिताम है या प्रोग्राम जिहड़ा असी एक्सप्लो जिन्नू कहिंदे ने अपनी जुबान च वह देना बनता नहीं हूँ क्योंकि वह गुफ्तगू ही मतलब इन्नी तुसी समझ लो कि फ्रूटफुल सी, इन्नी जबरदस्त गुफ्तगू सी कि वह इंसान लिए जीन वालों लिए जिहड़े कहिंदे कि मैं हैरान है इस चीज़ के क्योंकि कहिंदे दो ब्रेकअप आ तो जिंदगी इंतहाई खूबसूरत आ। तो इसलिए साड़ी वो यूथ ये जिहड़ी समझदी हैगी है कि जनाब एक कुड़ी दे उत्ते या जनाब एक फेलीयर दे उत्ते एक नाकामी दे उत्ते सब कुछ खत्म हो जाता है, ये गलत चीज़ हैगी है। साडे लई एक समझ लो कि आइकन ने, साडे लई एक 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 माइलस्टोन ने मलंगी साहब की जात जड़ी हैगी है, सानू इन्हां नू फॉलो करना चाहिए इन्हें कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्हां दी स्ट्रगल ते उन्हां दी जद्दोजहद तसलसल जिहड़ा कतरा कतरा पत्थर ते डेग के सुराख कर गया, सानू इस स्ट्रगल नू इस तसलसल नू अपनी जिंदगी च बरकरार रखना है। मैनू इजाजत देवो, असी अगले प्रोग्राम च तुहानू फिर मिलांगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कट जी।